हेलो एवरीवन, वेलकम टू बचेला भाषिक्लॉटेक। छात्रों, एक बहुत बड़ी अपडेट है। अभी कुछ टाइम पहले 5 छात्रों की मीटिंग हुई थी वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के बीच। अब वह मीटिंग पूरी हो चुकी है और जो ऑफिशियल अपडेट सामने आया है तो यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्जाम कराने से मना कर दिया है, साथ ही डेट पोस्टपोन करने से भी मना कर दिया है। यानी कि यूनिवर्सिटी का सीधा सा कहना है कि अगर ओमिक्रॉन किसी भी छात्र को होता है तो उसके जिम्मेदार केवल और केवल सरकार होगी, यूनिवर्सिटी उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती है। और साथ ही ये भी बोला गया है कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं होंगे, ऑफलाइन मोड पर ही एग्जाम आयोजित कराए जाएंगे और इसकी डेट भी नहीं बढ़ाई जाएगी। आप देख सकते हैं 20 मिनट पहले का यहां पर ट्वीट किया है एकेटी छारसंग ने। विश्वविद्यालय एकेटी लखनऊ ने तानाशाही का परिचय देते हुए ओमिक्रॉन का ठीकरा माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार पर फोड़ दिया है और एग्जाम की डेट को भी आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। दिस इज ऑफिशियली ओवर। और मैं अभी आपको वीडियो भी दिखा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए, आप यूनिवर्सिटी से आपको ही लड़ना है, सीधे के तौर पर आपको सरकार को टारगेट करना होगा। जब हम ओमिक्रॉन का बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि ये सरकार का मुद्दा, हमारा मुद्दा नहीं। यानी कोरोना सरकार का सकता, हम लोग को नहीं होगा। हो गया, बस यही बोले। अब आप लोग क्या क्या चीजें बता दो। तो छात्रों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मीटिंग ओवर होने के बाद छात्रों ने बाहर निकलकर इसकी जानकारी दी और वहां पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद था। अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यहां पर एक ट्विटर ट्रेंड भी चलाया जा रहा है, ये अभी 5 मिनट पहले का है। 4 लाख प्लस स्टूडेंट्स वॉइस नो ऑनलाइन, नो वोट फॉर बीजेपी एज एकेटीयू सेट ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओमिक्रॉन। तो छात्रों, आप यहां पर जाकर रिट्वीट करें, आपको लिंक मैं डायरेक्ट अवेलेबल करा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ट्वीट की। तो आप जितना हो सके रिट्वीट करें और अपनी तैयारी रखें। एकेटीयू का सीधे से कहना है कि एक लाइन का कहना है कि जो डेट शीट लगी है उसी पर ऑफलाइन मोड पर एग्जाम कराए जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही।